अब आता है अगला चैप्टर, चैप्टर नंबर 3, हाउसिंग प्रिंसिपल स्पेस रिक्वायरमेंट फॉर डिफरेंट स्पेसीज ऑफ लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री। इसमें आता है ए वेल प्लान्ड एंड एडेक्वेट हाउसिंग इज द बेसिक नीड फॉर इफिशियंट मैनेजमेंट ऑफ लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री। मतलब लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री के लिए ये जो बेसिक नीड है ये है वेल प्लान्ड एडेक्वेट हाउसिंग, उसके रहने का व्यवस्था। अब आता है प्रॉपर प्लानिंग इन द अरेंजमेंट ऑफ एनिमल हाउसिंग विल रिड्यूस द लेबर चार्जेज एंड द दैट इज क्रूशियल फॉर द प्रॉफिट ऑफ द ऑनर। मतलब अगर हम इसका बेहतर प्लानिंग करते हैं, इसका बेहतर अरेंजमेंट करते हैं उसके रहने का, तो उससे हमारा लेबर चार्ज बहुत घट जाता है और ऑनर जो है उसके लिए ये बेनिफिशियल और भी लाभदायक होगा। अब आता है ड्यूरिंग इरेक्शन ऑफ ए हाउस फॉर डेयरी कैटल केयर शुड बी टेकन टू प्रोवाइड कंफर्टेबल एकोमोडिटेशन फॉर एन इंडिविजुअल कैटल। मतलब किसी हाउस के निर्माण के समय में ये ध्यान रखा जाना चाहिए कि प्रत्येक जो इंडिविजुअल कैटल है उसको एक बेहतर कंफर्टेबल एकोमोडेशन मिल सके, यानी बेहतर आवास मिल सके उसके रहने के लिए, इसका ध्यान रखा जाता है। अब आता है प्रिंसिपल ऑफ हाउसिंग। यहाँ प्रिंसिपल ऑफ हाउसिंग में पहला आया प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन फ्रॉम हीट, जिससे कि प्रोटेक्शन हो, हीट से, ज़्यादा हीट से भी बचाव हो, और प्रोटेक्शन फ्रॉम कोल्ड, ज़्यादा ठंड से भी बचाव हो, प्रोटेक्शन फ्रॉम विंड, ज़्यादा तेज हवा से बचाव हो, प्रोटेक्शन फ्रॉम रेन मतलब बारिश से भी बचाव हो, प्रोटेक्शन फ्रॉम मड मतलब कीचड़ से भी, कीचड़ ना हो पाए, इन सभी का ध्यान रखा जाता है। ये जो है प्रोटेक्शन फ्रॉम हीट, कोल्ड, विंड, रेन, मड, ये पांच हैं। अब आता है खिलाना कैसे है, फीडिंग। तो फीडिंग में आता है द मैनेजर मस्ट बी डिजाइंड सो दैट स्टॉकमैन कैन ईजिली फील फ्रॉम आउटसाइड द हाउसिंग एरिया विदाउट डिस्टर्बिंग एनिमल एज सेफली एंड मोस्टली इफिशेंटली हिमसेल्फ एज पॉसिबल। मतलब बिना डिस्टर्ब किए इसको खाना खिलाना कैसे जाए उसके हिसाब से मैनेजमेंट या डिजाइन किया जाता है। द मैनेजर मस्ट बी डिजाइन सो दैट एनिमल्स इन लॉट हैव एक्सेस टू इट एट सेम टाइम सो दैट इज कैन ईट हिज शेयर विदाउट बींग क्राउड। मतलब ऐसे रखना चाहिए कि वो जो अपना खाना है वो शेयर कर सके लेकिन बिना भीड़ लगाए, और मोर एग्रेसिव ना हो। अब आता है इट इज एसेंशियल टू रेस्पेक्ट द स्टैंडर्ड ऑफ 50 सेंटीमीटर पर हेड। 50 सेंटीमीटर की दूरी रखना चाहिए पर एक कैटल के बीच में, उसी हिसाब से। द मैनेजर शुड बी डिजाइंड एज कट डाउन वेस्ट एंड रिजेक्टेड फूड वेदर एंड प्रोटेक्शन बार्स विल केप्ट एनिमल्स फ्रॉम क्लाइंबिंग इन टू द सॉइल। मतलब ये जो है इस तरह से रखना चाहिए कि उसका जो वेस्ट है, रिजेक्टेड फूड है, वो जो है वो नीचे चला जाए और वो अपने खाने के अंदर, यानी जो भोजन उसको दिया जाए उसमें ना चढ़ पाए, इस तरह से कहा जाता है। सॉइलिंग इट एंड स्कैटर्ड एंटी रिपोर्शन ऑफ ग्राम। जमीन को खुदरे नहीं, ऐसा जमीन रखना चाहिए। अब आता है वाटरिंग। वाटरिंग यानी वाटर नीड्स वेरी कंसिडरेबल विथ द काइंड ऑफ डाइट। इसका मतलब वाटर जो है ये 1/10 कंसेंट्रेटेड फीड के और 3/4 मतलब 3/4 जो साइलेज है उसका देना चाहिए। ये क्लाइमेटिक कंडीशन के अनुसार होता है, टाइप ऑफ हाउसिंग सो फोर्थ, द इन्वायरमेंटल सराउंडिंग द एंड ऑफकोर्स वाटर नीड्स वेरी वेट द एनिमल। मतलब एनिमल के वेट के हिसाब से वाटर का जो मात्रा है वो अलग अलग देना चाहिए। जैसे एंड द एवरेज इज 10 लीटर ऑफ वाटर पर 100 kg ऑफ लाइव वेट पर डे। मतलब जो जैसे 100 kg का अगर वो जानवर है ना, या फिर मतलब 100 kg अगर हम किसी चीज़ को चारा दे रहे हैं, लाइव वेट दे रहे हैं,
तो उसका जो 10 लीटर पानी उसको देना चाहिए उसके साथ, इस हिसाब से 100 केजी का जो जानवर है उसको 10 लीटर रोज देना चाहिए पानी। अब आता है आइसोलेशन, मतलब आइसोलेशन कैसे है? तो वन फंक्शन ऑफ हाउसिंग इज कोर्स टू इंश्योर आइसोलेशन ऑफ द स्टॉक दे आउट टू लाइव इन द एरिया रिजर्व फॉर देम, दे शुड पार्टिकुलरली बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम कोहेबिशन विथ द अदर फार्म एनिमल्स, पोल्ट्री डॉग्स, स्मॉल रुमिनेंट्स एंड फ्रॉम कोहेबिशन विथ मैन। द आइसोलेशन द स्टॉक रिमेन्स काम एंड द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट एंड कंटामिनेशन इज लेस। मतलब ये जो है ऐसे रखना चाहिए आइसोलेशन, मतलब अलग अलग ऐसे इस प्रकार से रखना चाहिए ताकि उनके बीच में जो है कोहेबिशन यानी एक दूसरे के झुंड में मिल ना जाए और उनके बीच जो है कंटामिनेशन ना हो किसी भी डिजीज का, और किसी मतलब रिस्क ना हो उनके बीच में झगड़े का, एक्सीडेंट का या फिर गिरने का, इनका ध्यान रखना चाहिए, इसलिए आइसोलेशन थोड़ा ज़रूरी है। अब आता है कंफर्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्डिंग मस्ट बी प्रॉपरली वेंटिलेटेड, मतलब जो बिल्डिंग है वो पहले तो वेंटिलेटेड होना चाहिए, उसमें हवादार होना चाहिए। दैट इज द एयर मस्ट सर्कुलेटरी सर्कुलेट फ्रीली इनफ द इनफ टू अवॉइड एक्युमुलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया फ्रॉम द एक्सहेलेशन एंड एक्सरेट ऑफ द स्टॉक। अब आता है द बिल्डिंग मस्ट ऑल्सो अलाउ द एनिमल टू गेट इनफ रेस्ट वेन दे वॉन्ट इट एंड मॉडरेट एक्सरसाइज एज वेल। मतलब इनको जो है इस तरह से बिल्डिंग को रखना चाहिए ताकि वो एक मतलब थोड़ा इधर उधर घूम सके, अपना एक्सरसाइज कर सके और रेस्ट कर सके आराम से। अब आता है डिसएडवांटेज ऑफ लूज हाउसिंग सिस्टम, मतलब जो खराब हाउसिंग सिस्टम होता है उसका क्या क्या डिसएडवांटेज है, कि क्या क्या हानि है उसके बारे में। पहला आता है द एनिमल आर नॉट सफिशियंटली प्रोटेक्टेड फ्रॉम इनक्लेमेंट वेदर, मतलब जो जानवर है वो जो है खराब मौसम से उसका बचाव नहीं हो पाता है अच्छे से। द एनिमल विल फाइट एंड हर्ट देम सेल्फ, वो जो है एक दूसरे से झगड़ा कर लेंगे और एक दूसरे के हर्ट करेंगे, मतलब नुकसान पहुंचा देंगे। अब आता है एक्सरसाइज विल मेक द एनिमल लूज वेट, एक्सरसाइज जो है उनके जो वेट है उसको कम करने में मदद करता है। डिफ़िकल्ट टू मेंटेन क्लीन एंड हाइजीन कंडीशन, ये जो है अगर अच्छा उसका हाउसिंग सिस्टम नहीं होगा तो वो जो क्लीन नहीं रह पाएगा और उसमें बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होंगी, इसलिए हाइजीन कंडीशन फार्म में नहीं हो पाएगा, उसको रखने में दिक्कत होगी। अब आता है कि स्पेस रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम डिफरेंट स्पेसीज ऑफ लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री, मतलब अलग अलग प्रकार के जो स्पेसीज हैं उनके और लाइव स्टॉक और पोल्ट्री हैं उनके हिसाब से क्या उसके स्पेस का रिक्वायरमेंट है उसके बारे में। पहला आता है एनिमल कवर्ड मीटर स्क्वायर एंड ओपन एरिया में कितना मीटर स्क्वायर पर एनिमल चाहिए, वही उसका चार्ट है कि बुल्स को 12 कवर्ड एरिया में 12 मीटर स्क्वायर चाहिए और ओपन एरिया में 120 मीटर स्क्वायर चाहिए, इसी के हिसाब से पूरा दिया गया है। अब आता है देयर आर फोर सिस्टम ऑफ हाउसिंग जनरली फाउंड फाउंड टू फॉलो अमॉन्ग द पोल्ट्री कीपर्स, ये चार प्रकार के जो है हाउसिंग एरिया सिस्टम पाया जाता है जनरली। द टाइप ऑफ हाउसिंग अडॉप्टेड डिपेंड्स टू लार्ज एक्सटेंट ऑन द अमाउंट ऑफ ग्राउंड एंड द कैपिटल अवेलेबल, ये जो जितना मतलब उसके पास पूंजी है और जितना ज़मीन है उसके हिसाब से वो अपना करता है। फ्री रेंज ऑफ एक्सटेंसिव सिस्टम, ये कहता है फ्री रेंज मतलब जो एक्सटेंसिव सिस्टम उसको कहते हैं, यानी जो खाली क्षेत्र में पूरा फ्री हो, उसमें कोई बाड़ा या घेरा ना हो, उसी को फ्री कहते हैं। अब आता है सीमेंट सेमी इंटेंसिव, मतलब जो थोड़ा सा बाड़ा हो और थोड़ा फ्री हो, उस हिसाब से। फोल्डिंग यूनिट सिस्टम इसके बारे में पढ़ेंगे, और इंटेंसिव सिस्टम उसका दो टाइप है, बैटरी और डीप लीटर सिस्टम। पहला आता है फ्री रेंज सिस्टम। द मेथड ऑफ ओल्डेस्ट ऑफ
ऑल एंड हैज बीन यूज टू सेंचुरीज बाय जनरल फार्मर्स वेयर देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ लैंड। जहाँ लैंड का कमी नहीं हो वहाँ पे इस प्रकार का अपनाया जाता है फ्री रेंज सिस्टम, अर्थात खुले में छोड़ दिया जाता है। दिस सिस्टम अलाउज ग्रेट बट नॉट अनलिमिटेड स्पेस टू द बर्ड्स ऑफ ऑन लैंड वेयर दे कैन फाइंड एन अप्रिसिएबल अमाउंट ऑफ फूड इन फॉर्म ऑफ हर्बेज सीड इंसेक्ट्स प्रोवाइड एनिमल्स। ये जो है मतलब इसी के बारे में दिया गया कि इनके पास अनलिमिटेड स्पेस तो नहीं होता है लेकिन हाँ स्पेस जो है बहुत ज़्यादा होता है। और पहला आता है सेमी इंटेंसिव, उसके बाद सेमी इंटेंसिव में आता है कि दिस सिस्टम इज अडॉप्टेड वेयर द अमाउंट ऑफ फ्री स्पेयर इज लिमिटेड। जो उसका फ्री स्पेस है वो लिमिटेड होता है बट इट नेसेसरी टू अलाउ बर्ड्स 20 से 30 स्क्वायर यार्ड्स। मतलब ये जो है बर्ड्स को 20 से 30 स्क्वायर यार्ड यानी लगभग 20 से 30 मीटर अलाउ करता है पर बर्ड ऑफ आउटसाइड रन बाहर जाने के लिए। वेयर एवर पॉसिबल, जहाँ तक पॉसिबल हो दिस स्पेस शुड बी डिवाइड गिविंग ए रन ऑन आइदर साइड ऑफ द 10 to 15 स्क्वायर यार्ड पर बर्ड दज इनेबल द बर्ड टू मूव इन टू फ्रेश ग्राउंड। मतलब उसको जो है फ्रेश ग्राउंड में मूव करने के लिए 10 से 15 स्क्वायर यार्ड का दिया गया है जगह दिया जाता है। अब आता है फोल्डिंग सिस्टम क्या होता है। फोल्डिंग यूनिट सिस्टम, दिस सिस्टम इसके बारे में पढ़ते हैं। दिस सिस्टम ऑफ हाउसिंग इज एन इनोवेशन ऑफ रिसेंट ईयर्स। ये जो है कुछ ही साल पहले इसका इनोवेशन हुआ था। इन पोर्टेबल फोल्डिंग यूनिट बर्ड्स बीइंग कन्फाइंड टू वन स्मॉल रन द पोजिशन इज चेंज ईच डे। मतलब इनका जो है स्थिति बदल दिया जाता है रोज का रोज, मतलब उसका स्थान परिवर्तन कर दिया जाता है। गिविंग देम फ्रेश ग्राउंड, उनको जो है रोज एक फ्रेश ग्राउंड दिया जाता है। एंड द बर्ड फाइंड ए कंसिडरेबल पोर्टेशन ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ फूड फ्रॉम द हर्बेज एंड हेल्दियर एंड हार्डर। इनको जो है रोज मतलब जो खराब फूड होता है उनको रोज मिलता है। फ्रॉम फार्मर बेनिफिशियल इफेक्ट स्कैटरिंग द मैन्यूरिंग ऑन द लैंड एंड अदर साइड इफेक्ट, जिससे कि वो जो ज़मीन है उस पर लाभकारी प्रभाव पड़ता है क्योंकि उससे ज़मीन को खड़ोच दिया जाता है और बहुत सारे साइड इफेक्ट को होता है। अब आता है द डिसएडवांटेज आर द फूड एंड वाटर मस्ट बी कार्डेड आउट द बर्ड एग्स ब्राउट बैक एंड देयर इज सम एक्स्ट्रा लेबर इन्वॉल्व इन रेगुलर मूविंग ऑफ फोल्ड यूनिट्स। इसका डिसएडवांटेज यह है कि ये जो है इसको फिर से लाना पड़ता है, मतलब बैक करना पड़ता है किसको, बर्ड को और एग्स को एक जगह से दूसरे जगह। इसमें थोड़ा दिक्कत होता है और इसमें जो है लेबर और इसका खर्च होता है। अब आता है द मोस्ट कन्वेंशन फोल्डिंग यूनिट हैंडल टू द मोस्ट कन्वेंशन फोल्डिंग यूनिट हैंडल इज दैट विच इज मेड फॉर 25 इंच। ये जो 25 इंच के लिए बनाया जाता है उसमें ए फ्लोर स्पेस ए स्क्वायर 1 स्क्वायर फुट शुड बी अलाउड फॉर ईच बर्ड। 1 स्क्वायर फुट जो है वो एक बर्ड के लिए अलाउ किया जाता है। और द हाउस एंड 3 स्क्वायर फीट इन द रन, 3 स्क्वायर फीट जो है रन के लिए उसके अलाउ किया जाता है। एंड टोटल फ्लोर स्पेस होल यूनिट इज 4 स्क्वायर फीट पर बर्ड। ये जो है 4 स्क्वायर फीट जो है पर बर्ड इसको दिया जाता है, उसमें वो अपना दौड़ेगा सोएगा या फिर कुछ भी करेगा। इंटेंसिव सिस्टम विथ द इंटेंसिव सिस्टम के साथ होता है। ए सूटेबल मेजरमेंट फॉर, उसके बाद आता है इंटेंसिव सिस्टम जो है ये बाहर का कोई लैंड इसमें यूज नहीं होता है और जो अंदर का लैंड है उसी को सिर्फ एक्सेस किया जाता है। और ये जो है ये जहाँ लिमिटेड लैंड होता है वहाँ पे प्रायः यूज होता है। अब आता है दिस हैज ओनली बीन मेड पॉसिबल बाय एमिटिंग द डायरेक्ट रेज ऑफ सन एंड फ्लोर ऑफ द हाउस
सो दैट फॉर टू बिंड विंडोज आर रिमूवेबल और आइदर फोल्ड और साइड डाउन लाइक विंडोज ऑफ रेलवे ट्रेन परमिट द अल्ट्रा वायलेट रेज टू रीच द बर्ड्स. मतलब ये जो है इस प्रकार से मैनेज किया जाता है कि वो जो जैसे ट्रेन में उसका गेट खिड़की होता है उस टाइप से होता है कि जिससे कि कभी जब मन करे तो उसमें लाइट को इंटर कराया जा सके और जब हो तो लाइट को बंद कर दिया जा सके. उस हिसाब से रखा जाता है. एक प्रकार से आगे आता है कि अंडर द इंटेंसिव सिस्टम बैटरी केस सिस्टम एंड डीप लीटर मेथड्स आर मोस्ट कॉमन. ये जो है इंटेंसिव सिस्टम के दौरान जो है ये एक प्रकार से पिंजरा सिस्टम होता है और इसको मतलब पिंजरा की तरह रखा जाता है. अब बताएं दिस बैटरी सिस्टम दिस एप्लीकेशन इज इन्वेंटर्स लाइज लेटेस्ट कंट्रीब्यूशन टू द कमर्शियल. एक फार्मर ये जो है कमर्शियल जो एक फार्मर है उनके लिए ये लेटेस्ट है. और दिस इज मोस्ट इंटेंसिव टाइप ऑफ पोल्ट्री प्रोडक्शन. ये जो है पोल्ट्री प्रोडक्शन में मोस्ट इंटेंसिव है मतलब बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है. एंड इज यूजफुल दोज विथ ओनली स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्लोर स्पेस एट देयर डिस्पोजल. नोवेडेज इन लार्ज सिटी हार्डली ए पोल्ट्री लवर कैन स्पेयर ओपन लैंड फॉर रियरिंग बर्ड्स. For all such people, this system will prove worthy of keeping birds at minimum space. ये जो है कम से कम स्पेस में इसका यूज किया जाता है और ये जो है वैसे स्थानों पर यूज किया जाता है जहाँ बहुत मतलब ज़मीन की कमी हो जैसे शहरों में और कम से कम ज़मीन में इसका रख रखाव किया जाता है. इन द बैटरी सिस्टम ईच हैन इज confined to cage just large enough to permit very limited movement and allow her stand and sit comfortably. ये इतना ही मतलब लार्ज रखा जाता है जिसमें वो अपना बैठ उठ सके और अपना थोड़ा मोड़ा मूवमेंट कर सके. ये बहुत कम मतलब क्षेत्र में इसको किया जाता है. अब द यूजुअल फ्लोर स्पेस इज 14 to 16 inches एंड एंड द हाइट 17 इंच. मतलब ये जो है इसमें जो 14 से 16 इंच लंबाई चौड़ाई दिया जाता है और 17 इंच हाइट दिया जाता है. द फ्लोर इज स्टैंडर्ड स्ट्रॉन्ग ग्लेवनाइज्ड वायर सेट स्लोप फ्रॉम बैक टू फ्रंट. पीछे के आगे की तरफ इसको फ्लोर को स्लोप दिया जाता है और ये जो है मोटे मोटे तारों और पतले पतले तारों से मिलकर बना होता है. आता है अंडरनीथ द ट्रे ड्रॉपिंग बोथ फूड एंड वाटर रिप्लेसमेंट आर आउटसाइड द केज. ये जो है वाटर और जो फूड है वो जो बाहर दिया जाता है उस पिंजरे के. मैनी स्मॉल केज कैन बी असेंबल टुगेदर. एक से साथ जो है बहुत सारे पिंजरे को असेंबल किया जा सकता है जोड़ करके. अब इफ नेसेसरी इट में भी मल्टी स्टोरेड. ये जो है बहुत सारा है, मतलब मिल करके बनाता है मल्टी स्टोरेज. द होल स्ट्रक्चर शुड बी मेटल सो दैट नो पैरासाइट्स विल बी हर्बर्ड एंड थ्रू डिसइंफेक्शन कैन बी कैरीड आउट एज ऑफन एज रिक्वायर्ड. जो है पूरा जो स्ट्रक्चर है वो मेटल या धातु का होना चाहिए जिससे कि इसमें पैरासाइट जो है वो ग्रो ना कर पाए इन्फेक्ट ना कर पाए और डिसइंफेक्शन हो सके. अब आता है प्रोवाइडेड द बैटरी केज सेटअप इन प्लेस. ये बैटरी सिस्टम के बारे में पूरा दिया गया है उसी के बारे में कैसे कैसे क्या होना चाहिए. अब आता है डीप लीटर सिस्टम. डीप लीटर सिस्टम में आता है दिन दिस सिस्टम पोल्ट्री बर्ड्स आर केप्ट इन लार्ज पेंस अप टू 250 बर्ड ईच वन फ्लोर कवर्ड विथ लीटर्स लाइक स्ट्रो. सो मतलब ये जो है डीप लीटर सिस्टम ये जो है ये 250 बर्ड्स को एक फ्लोर में रखा जाता है और स्ट्रो लाइक होता है और जो है ये 8 से 12 इंच लीव्स जैसा डस्ट जैसा दिखता है.
अब आता है डीप लिटर डिसेम्बल टू ड्राई कंपोस्ट। ये जो है एक तरह से ड्राई कंपोस्ट जो है कचरा की तरह दिखता है, कूड़ादान की तरह। अब इन अदर वर्ड्स वी कैन डिफाइन द डीप लिटर सिस्टम एंड एकुमुलेशन ऑफ द मटेरियल यूज्ड फॉर लीटर विथ पोल्ट्री मैन्योर। ये जो पोल्ट्री मैन्योर है उसमें जो लीटर यूज होता है उसके जैसा दिखता है, उसके जैसा मटेरियल इसमें यूज होता है। इट रीचेज द डेप्थ 8 to 12 inches। द बिल्ड अप हैज़ टू बी कैरिड आउट करेक्टली टू गिव डिजायरेबल रिजल्ट विच टेक्स वेरी लिटिल अटेंशन। यही था, इसके बारे में दिया गया था डिफरेंट टाइप ऑफ रूफ फॉर एनिमल्स, मतलब किस किस प्रकार का जो रूफ है उसके रखा जाता है एनिमल्स को। तो फ्लैट है, शेड है, गैबल है, डोम है, हाफ है, फुल है, ये सब इस टाइप्स का जो है शेड है, किस प्रकार का। चैप्टर खत्म।